ट्रेन के जरिए गांजा की खेप दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में धड़ल्ले से पहुंचाया जा रहा है। नशे के कारोबार से जुड़े माफिया ट्रेन में गांजा छुपाकर दूसरे राज्यों तक पहुंचाते हैं। हालांकि माफिया तक पहुंचने में कानून के हाथ छोटे पड़ जा रहे हैं। कोडरमा स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से जांच के दौरान करीब 32 किलो गांजा आरपीएफ ने बरामद किया। बताया जाता है कि बॉगी संख्या D1 में टॉयलेट के पास 3 बैग लावारिस पड़ा था। बॉगी में सफर कर रहे किसी ने भी इस बैग पर अपना अधिकार नहीं जताया। रेल पुलिस ने थाना लाकर बैग खंगाला तो बैग में करीब 32 किलो 200 ग्राम गांजा मिला। बरामद गांजा की कीमत करीब 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। गांजा बरामदगी मामले में किसी भी प्रकार की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।